होगी कि किसी भी हालत में आपके इस विश्वास को कलंकित कैसे भी मैं नहीं करने दूंगी। मैंने ये आपको विश्वास सुनाया। इन्होंने बड़ी फाइलें खरा ली, बड़ा कमीशन बैठा, आखिर में इनको कुछ नहीं मिला। और मैं खुशी से ये कह सकती हूं कि आप लोगों की इज्जत को बरकरार रखने में मैं पूरी तरह से कामयाब रही और हमारी परिवार की इज्जत किसी भी तरीके से, हमारा स्वाभिमान किसी भी तरीके से मिट्टी में नहीं मिला। आप लोग सब जानते हो कि दिल्ली के अंदर क्या है। मैं दिल्ली के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि दिल्ली दूर है, परंतु राजस्थान में कैसा क्या भ्रष्टाचार हो रहा है वो कहां से छिपी है। मैं जयपुर की बात नहीं करती हूँ, मैं तो सीधे केकड़ी के चांडा चौकड़ी के भ्रष्टाचार के बीच में बराबर में आता हूँ। मुझे पूरी तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की ना, तो ईश्वर जो होता है ना वो देखता है उसके घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। कि ये तो भगवान भरोसे सब काम करती है, और आपको याद होगा मैंने तब कहा था कि हाँ मैं भगवान के भरोसे हूं और भगवान के भरोसे ही हम लोगों ने 5 साल ऐसा राज जमाया जो 5 साल तो क्या 55 साल से बीमारू प्रदेश राजस्थान को गड्ढे में से निकाल के उसके पैरों पे खड़ा करने का काम उस भगवान के भरोसे और आपके भरोसे हम लोगों ने कर दिया। अब मैं आपके घूमते फिरते केकड़ी में आई, आते ही मेरे को अध्यक्ष नगर पालिका रतनलाल जी नायक ने इतनी बड़ी पोथी हाथ में पकड़ाई। मैंने उसे पूछा काय की पोथी है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भ्रष्टाचार की पोथी है, आप अगर समय निकाल सकते हो तो इसको एक मिनट के लिए देख लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि केकड़ी वासियों को किस मुसीबत में से गुजरना पड़ रहा है। फिर मैंने अपने कागज देखे तो मैंने देखा कि सावर्क में देवस्थान विभाग की भूमि पर अपने विधायक ने रिश्तेदारों को खान आवंटन किया और दो कानों के बीच की जमीन जो थी उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, अलग अलग हथकंडे अपनाने की कोशिश की। इसके बारे में अखबारों के अंदर भी सुर्खियां आई, भाजपा ने इसका जम के विरोध किया, उनके विचारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, निर्दोष कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी भी करनी पड़ी। अब देख लो करे कौन और मरे कौन। वो जो कह रहा है कि ये नहीं होना चाहिए वो तो जाए जेल, और जो खा रहा है उसको छूट। खाओ जी मौज करो, दिल्ली में खा रहे हैं, जयपुर में खा रहे हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं, तुम भी करो। एसीबी ने इस मामले की जांच में खान आवंटन को गलत माना और कहा कि तुरंत ही इसको निरस्त करना चाहिए, परंतु जब सरकार पूरी तरह से उसमें हाथ डाले हुए बैठी है तो वो अपने एमएलए को क्यों रोकेगी। उनको तो कह दिया तुम्हें छूट है, हमें भी छूट है, तुम्हें भी छूट। एक किस्सा नहीं है भाइयों। फिर मैंने आगे देखा तो मुझे बताया कि बीसलपुर बांध को जो विस्थापित थे उनको जो आवंटित भूमि बेचारों को उनकी जमीन ले ली, उसके बाद उनको कुछ आवंटन किया, वो आवंटन के अवार्ड जिनको औने पौने दाम में गरीबों के ऊपर दबाव डाल डालकर, और किसने खरीदा आप लोग सब जानते हो। पिछले साल बाढ़ राहत की मद में सड़कों की मरम्मत के लिए 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, उनका क्या हुआ। उस मामले में निर्माण मंत्री ने जब एक्सीएन बेचारे को तो निलंबित कर दिया, फिर भी फर्जी भुगतान हो गया, वो तो होना ही था। कच्ची बस्तियों के विकास के लिए 18 करोड़ रुपए इनके कार्य के टेंडर 5% अधिक राशि पर स्वीकृत,
उन टेंडर को निरस्त करके 65% पर कर दिए। इसके किसके इशारे पर क्यों समझो कि ये तो जनता का पैसा है, हर चीज के ऊपर अपन हाथ डालेंगे क्या? उसके बाद क्षेत्र के अंदर नरेगा योजना के नाम पर एक बहुत बड़ा फर्जी पारा चला है। वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर 13,000 का फर्जी पारा, छोटा मोटा नहीं सर, 13,000 का फर्जी पारा है। तो 13,000 तो छोटा ही काम है, क्योंकि लाखों करोड़ों का मामला होता है। 13,000 का करो, और मैं आपको बता दूं, जब मनरेगा चलता था भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो उस समय आपको याद है 26 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देते थे, और 26 लाख लोगों ने जो परिसंपत्तियां बनाई उनकी वजह से राजस्थान बीमारू प्रदेश से निकल के और पहले पायदान पर आके खड़ा हुआ। वो उन लोगों की वजह से था जिन्होंने काम किया और जिनको 100-100 रुपए मिला करते थे। आज क्या हालत है भैया बताओ मुझे? चाहे चाहे ठेकेदारों के जरिए जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं, 1,25,000 लोगों को कहा 26 लाख, और कहा 1,25,000 को नौकरी मिल रही है, और वो भी मिल नहीं रही है। 100 रुपए किसी को नहीं मिल रहे हैं, कभी किसी को 25 रुपए, कभी किसी को 22 रुपए, कभी किसी को 37 रुपए, कभी किसी को 5 रुपए, और कभी एक को 1 रुपया। 1 रुपया मजाक बना के रखा है, जले के ऊपर नमक डालने का काम ये है इस कांग्रेस का काम। और फिर मेरे को कहते हैं ना सामंती हूं मैं, महारानी हूं मैं हूं मेले में रहने वाली। पर ये नए अस्पताल के भवन के पास एक कौन सा महल बन रहा है भैया? मैं सुनती हूँ कि एक महलों जैसा फार्म हाउस बनता जा रहा है, और मुझे ये भी कह दिया है कि 32 करोड़ की लागत से जो बन रहा था आपका अस्पताल, उसके अंदर जो भी सामान लगना था वो कहाँ गया? फार्म हाउस से। और जो निर्माण की सामग्री के अंदर पीडब्ल्यूडी का अफसर भी लगा कि भैया ये तो सरकारी काम जैसे होते रहते होंगे, हम तो क्या इनके इस महल को बनाने का ठेका हम पीडब्ल्यूडी वालों ने लिया है, सरकार का काम है। उसके बाद फार्म हाउस तक रातों रात जलदाय विभाग की पाइपलाइन बिछ गई। जब आपने आवाज उठाई तो ये कह दिया कि अजगरी गांव के लिए हमने स्वीकृत किया है। पर मुझे भाइयों बताओ, अजगरी गांव के अगर कोई लोग यहाँ है तो अभी भी प्यासे क्यों मर रहे हो? लाइन आई अजगरी गांव में तो बेचारे अभी भी प्यासे क्यों मर रहे हैं? हमें तो ये बताया गया कि तो अजगरी गांव के लिए दिया था, सब लोगों को मालूम है कि उनको नहीं मिला। बस अपने जेब के अंदर जाने का, अपने फार्म हाउस बनाने का ये सब काम उन्होंने किया है। मैं पूछना चाहती हूं कि 10 साल आपको मध्य प्रदेश को लग गए, 10 साल के अंदर मध्य प्रदेश कहां से कहां पहुंच गया? मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल दिए तो उन्होंने कायापलट कर दिया मध्य प्रदेश का। 15 साल दिए उधर गुजरात में गुजरात की जनता ने तो दुनिया के नक्शे के ऊपर आ गया गुजरात। और राजस्थान में आपके 65 वर्ष में से 12 वर्ष निकालने के बाद 53 साल सीधे हम लोगों ने कांग्रेस सरकार को दिया, और कांग्रेस सरकार ने ऐसा काम किया कि हम सब का सब कुछ लेके हमको गड्ढे में घुसाने का काम, हमको बीमार बनाने का काम ये इस कांग्रेस सरकार ने हमको किया है। 55 साल के राज के बाद क्या ऐसे लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक होना चाहिए? अब आ गया मैं कहना चाहती हूँ बिजली का। मैंने पता किया कि बिजली की क्या स्थिति है यहाँ। आपको तो 24 घंटे बिजली मिल रही है। मैंने महिलाओं के लिए अलग से एक लाइन दी थी कि 22 घंटे 24 घंटे एक घरेलू लाइन उनको मिलेगी, तो जो काम करने बाहर गए वो जब वापस आएंगे तो ठंडक में भोजन करेंगे, बच्चों को पढ़ाई के लिए लाइट मिल जाएगी, खाना पीना बनाने के लिए उनको लाइट मिल जाएगी, और अगर घर में फ्रिज है या कूलर है तो वो कूलर भी चल जाएगी। परंतु आज मैं देख रही हूँ कि हम लोगों के तुरंत जाने के बाद कहाँ 9 घंटे, कहाँ 8 घंटे, कहाँ 5 घंटे, कहाँ 6 घंटे, और वो भी ट्रिपिंग के बाद। और किसानों को जो 6-7 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वो मुश्किल से 2 घंटे या 3 घंटे बिजली मिल रही है, और वो भी जोरदार ट्रिपिंग के साथ।
भाइयों मुझे ये बताओ, आज 55 साल के बाद सब प्रदेश आगे निकल गए, सबको बिजली, सबको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, हम कैसे बैठे हुए हैं और क्या ऐसे लोगों को हम बैठने देंगे? बीसलपुर बांध के नजदीक होने के बावजूद भी केकड़ी कस्बे के लोगों को दो दिन में एक बारी पानी मिलता है, एक बारी पानी मिलता है, क्या शर्म की बात है? 5 साल में भी केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के 19 गांव बीसलपुर के पानी नहीं पहुंचने से फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। मैंने अभी 2-3 लोगों से पूछा, उनके दांत देखने के बाद मैंने कहा, क्या तुम्हारे यहाँ फ्लोराइड पानी है क्या? उन्होंने कहा, सब हम फ्लोराइड पानी पी रहे हैं, दांत बिल्कुल बेरंग हो जाते हैं, आदमी कुबड़ा हो जाता है, इन लोगों को तुमको पानी पीने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या होता है। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जनता जिसने बार बार इन लोगों को वोट दिया है, क्या हमको शर्म नहीं है? क्या हमारी राजनीतिक उसमें हमारा ध्यान नहीं आता कि इतने सारे लोग जिस तरीके से जी रहे हैं उनके जीवन को ठीक करने का हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं जब कभी महिलाओं को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इनकी क्या हालत हो रही है। जब आपको पानी के लिए जाना पड़ता है, अभी मैं दौरे पे थी तो किसी ने मेरे को आके कहा, महिला ने, कि हमारे हाथ देखो, उसके हाथ बिल्कुल छिले हुए थे, उसने कहा हमारा सिर देखो, हमको इसके ऊपर पानी रख के आना पड़ता है, हमारा पानी नहीं आता है, दूर दूर जाना पड़ता है। मेरे पास में जब रस्ते पे चल रही थी तो महिलाएं कुएं में पानी निकाल रही थी, उन्हें मुझे रोका, उन्होंने कहा उतरो और जरा देखो ये पानी कैसे निकलता है। मैंने कभी नहीं उतारा पानी, मैं गई हूँ कुएं पे, खाली जो बाल्टी थी वो तो बड़े आराम से नीचे चली गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा खेचो ऊपर। अरे खेचो ऊपर, और हमने खेचा, ऐसी बड़ी मुसीबत से, बिल्कुल भरी हुई बाल्टी, कोई मजेदार बात नहीं थी। और वो कहती है कि एक गड़ा भरने के लिए मेरे को 3 बाल्टी की जरूरत है, अब भरो एक गड़ा और फिर गड़ा भरने के बाद अब रखो सिर पे। मैंने कहा भैया दांत देती हूँ तुम लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने अपने परिवार को इस तरीके से सींचा है, और हमारी सरकार वहां बैठी है एयर कंडीशन में बैठी है, उसको यही समझ में नहीं आ रही कि आप किस मुसीबत से निकल रही। वाकई में मुझे दुख हुआ, मैंने सब लोगों को यह कहा, आंकड़ा बताना चाहूंगी, 211, कोई कहता है ना हमारे पास पानी नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, ये बहुत गलत बात बोलता है, क्योंकि जो भी सरकार में है पैसा है, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, और सही तरीके से अगर वो अपना पैसा लगा देता है तो सब काम हो सकते हैं। अभी 2011 और 12 में 330 करोड़ रुपया मिला सरकार को पानी पीने के मद में, माता बहने उन्होंने 24 करोड़ पूरे साल में इस्तेमाल किया और 306 करोड़ रुपया लैप्स हो गया। मैंने आया हुआ पैसा हम लगाना नहीं चाहते हैं, उसको वापस जाने दिया। 2012-13 के अंदर 601 करोड़ रुपया इस्तेमाल किया, 29 करोड़ लैप्स हुआ, 580 करोड़, शर्म आनी चाहिए। इसी तरीके से 13-14 में 1300 करोड़, माता बहने 1300 करोड़, पैसे की कमी नहीं है, इन्होंने 56 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए, और सब पूरा का पूरा, क्योंकि अब आचार संहिता लग जाएगी, पूरा का पूरा लैप हो जाए। और जो जनता गरीब है वो गरीब जनता फिर भी कुएं से पानी लाते रहेगी, आप लोग फिर भी 48 घंटे में 15 मिनट का पानी मिलेगा, और वहां जयपुर के अंदर मौज मस्ती होगी, कोई किसी को चिंता नहीं। मैंने सब लोगों से बात की और मैंने पता किया कि हकीकत में 35% लोगों को जरूरत के हिसाब से सरकार पानी नहीं दे पाती, 60% से लोग ज्यादा नलके में पानी नहीं पी सकते, और दूषित पानी पीने वाला सबसे नंबर वन का राज्य कौन है भैया? कौन है? राजस्थान। कितने खुशी की बात है, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, पहले राजस्थान को देखने के लिए उसके इतिहास को सुन के लोग दौड़ दौड़ के आ रहे थे, अब अगर राजस्थान का नाम है तो दूषित पानी पीता याद आदमी, अगर उसका नाम है तो जयपुर के अंदर माता बहनों की चेने खींचती है, इसके लिए आते हैं लोग देखने के लिए, कितनी शर्म की बात है। चुन्नूगढ़ पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि राजस्थान के इधर के उधर के स्टेट तो आगे बढ़ गए और हम गड्ढे में पड़े हुए हैं, आपको चिंता है अपने बच्चों की, आज आपने क्या लॉ बना दिया है कि 8वीं तक सब बच्चे पास हो जाएंगे,
तो आपको स्कूल की जरूरत नहीं है, आपके टीचर की जरूरत नहीं है, बस नौवीं में आओ, ज्वाइन करो। और उसका रिजल्ट क्या है? हमारे आदिवासी जब मैं उदयपुर में थी, उन्होंने मेरे को ये कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र के अंदर वो कोशिश है कि हम लोग पिछड़ जाएं, हम कॉम्पिटिशन में नहीं बैठ सके, और हम लोग इसी तरीके से अपने राजस्थान के इलाके के अंदर पड़े रहे और दूसरे लोग सब आगे बढ़ जाएं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों के अंदर हुनर है, राजस्थान के लोगों के हाथों में हुनर है, और ये पढ़ेंगे लिखेंगे, पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो आगे हमारे बच्चे हमारे राजस्थान के विकास की एक धुरी अलग से निकालने की कोशिश करेंगे। माता बहने, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि मूक बधिरों के साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ। कितनी शर्म की बात है कि 8 महीनों से उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था। अप्रैल के महीने में जब मालूम पड़ा तब भी मुख्यमंत्री ने उसको ढाक के रखा कि राहुल गांधी यहां है, कहीं मेरी पीआर खराब न हो जाए। उसको महिलाओं की चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी कि वो राहुल गांधी क्या सोचेगा। और उन बिचारी बच्चियों को उनकी अस्मत लूटने के बाद 3 लाख रुपए देके उनको अलग करने की कोशिश की गई। माता रहने में पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर आप लोग पढ़ते हो, वो राजस्थान के अंदर भी हो रहा है। हमारी महिला जब तक सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी हमारी बहू के साथ जब तक ये है, हमारे घर की इज्जत अगर ऐसी लुटती है तो मैं समझती हूँ कि हमारा परिवार कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप लोग सबने मिलकर कुछ तो सोचा है, आपने सबने ये सोचा है कि हमारे बच्चे एक ऐसा नया राजस्थान मिलकर बनाएंगे, आपने सबने ये सोचा है कि हमारी महिला सुरक्षित रहेगी, आपने सबने ये सोचा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख नौकरियों का इंतजाम आप लोगों के लिए किया था वैसे फिर होगा। आप लोग ये कोशिश में हो कि किसान हमारा मजबूत होगा, उसको सही तरह के टाइम पे पानी, उसको सही तरह से खाद बीज बिजली, और जब फसल लेके जाता है तो सही टाइम पे उसको अच्छे दाम, ये सब मिल जाएगा तो वो मजबूत होगा। मैं किसानों से खाली एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, दिल्ली जयपुर में तो मैंने ये पढ़ा है कि आप लोग 1,50,000 का ऋण मिलता है बिना ब्याज का, क्या ये सही है? किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला है? मेरे को ये बताया कि जब पाला तो ये पड़ा, और जब आप लोगों के साथ मतलब आपका फसल नष्ट हुई तो उस समय वहां एक पैकेज आप लोगों को दिया था मुआवजा, क्या ये सही है कि आप लोगों को मुआवजा मिला? आपके देखो टीचर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आपके अस्पताल की हालत खराब है, आप लोग जो मूलभूत सुविधा चाहते हो वही आपको नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं? और जो हमको संभालने के लिए विधायक बन के बैठा हुआ है वही आप लोगों को खा रहा है, तो फिर बचता क्या है? इसीलिए आज हमने ये तय किया है कि अब ये चार महीने बाकी बच रहे हैं, इनको भी एक सुख प्रकरण की नींद से जाग उठे हैं। उनने सोचा कि भैया चलो अब 4 महीने बाकी बच रहे हैं, अपन लगो इसमें। इन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। अरे बच्चे तुमको चाहिए ले लो, तुमको एक कंप्यूटर मिल जाएगा। अरे बूढ़े हैं बच्चे हैं तो 12 साल से लेके सबको पेंशन दे दो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा, कुछ भी कर लो। अरे दूध के नदियां निकाल दो, सोने के महल बना दो, बताओ क्या चाहिए आपको? मैंने सबको ये कह दिया कि भैया आप वो तो नहीं मिलेगा, वो तो छोड़ेंगे नहीं, वो तो पूरी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से लोगों को फिर से परेत के जाल में बांध के और फिर से लोगों को एक दूसरे से लड़ा के फिर से राज करने का उनको मौका मिले। मैं ये कह रही हूँ कि राजस्थान का अगर विकास होना है तो झगड़ा करके विकास नहीं हो सकता। 55 साल इन्होंने हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करवाया है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया है, एक मजहब को दूसरी मजहब से लड़ाया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सब 36 के 36 कौम अपने हैं, सब मजहब अपने हैं, ये एक परिवार के रूप में और प्यार के धागे में बांध के हम इनको जब आगे लेके चलेंगे तभी राजस्थान का विकास होगा। इसमें हम सब होंगे तभी राजस्थान का विकास होगा। अरे कहते हैं कि SC ST हो तो ये तो हमारे जेब के वोट हैं, ये कहाँ जाएंगे? मुसलमानों के बारे में बात उठती है तो अरे मुसलमान तो अपने जेब के वोट है, वो कहाँ जाएंगे? अरे आज कोई भी किसी के जेब का वोट नहीं है, स्वाभिमान से हर आदमी चाहे वो कितना भी गरीब हो वो
स्वाभिमान और इज्जत के साथ रहना चाहता है। कहता है मुझे कि मैं भूखा सो जाऊंगा, परंतु मैं किसी भी हालत में मेरी इज्जत और मेरे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और वो चीज के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सबको कह दिया हम लोग डरेंगे नहीं। अरे गुलाब जी के ऊपर आपने डोरे डालने की कोशिश कर ली, आपने हमारे दूसरे नेताओं को भी पकड़ने की कोशिश कर ली, हम लोगों को भी आप डरा रहे हो, परंतु जो हम कर रहे हैं वो ईश्वर को, ईश्वर को साक्षी मान के जनता को आगे बढ़ाने का, हमारे परिवार को आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उसके अंदर सफलता मिलेगी। हम लोग मिलकर अपना काम करके विकसित और नया राजस्थान बनाने की कोशिश करेंगे। एक आदमी के हाथ में सब जादू का डंडा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जितना वो खर्च कर रहा है। मैं जानती हूँ कि मीडिया के ऊपर मैं पैसा उतना खर्च भी नहीं कर सकती हूँ, परंतु मेरे पास एक चीज है जो उनके पास नहीं है, वो है हमारे एक परिवार का प्यार। हमारे 36 के 36 लोग जो साथ खड़े हो जाते हैं, जो ढाल जैसे हमारे सामने खड़े हैं, जिन्होंने कह दिया है कि कंधे से कंधा मिलाकर हम अपना सपना साथ मिलकर पूरा करेंगे। मुझे विश्वास है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। आप साथ में हैं तो एक नया राजस्थान बनाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। माता बहने, मैं आपको आज के दिन बताना चाहती हूँ कि ये पानी और बिजली की जो समस्या है, जाते जाते बिजली की समस्या तो मैं ठीक करके ही गई, परंतु इन्होंने मालूम नहीं क्या कर लिया। अब मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आएगी, अपन लोग मिलकर पानी की समस्या को सही करेंगे, पर्याप्त जल को पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि ये स्थिति के अंदर हम लोगों को देखना ना हो, जीना ना हो, ऐसी स्थिति में कोई ना जिए, इसके लिए अपन लड़ाई लड़ेंगे। अब 4 महीने बाकी है, आपके बीच में आके बहुत सारी चीजें करेंगे। रेवड़ी बातें ये ले लो, मैंने इसमें सबको कह दिया है कि भामाशाह योजना की वजह से हम लोगों को बहुत कुछ मदद मिल सकती थी। ये 4 साल अगर उन्होंने चला लिया होता तो आप लोगों को सबको घर में पहनने में मदद आराम से होता है। अब उसकी बात क्यों कर रहे हैं, सब काम 4.5 साल में क्यों नहीं किए, 5वें 4 महीने में क्या होगा यार, क्या होगा 4 महीने। इसीलिए आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आपको दबाने की कोशिश करेंगे। ये हाथ है ना, ये खूनी हाथ है, इतने महिलाओं के गले को दबाया है, इतने आपकी जेब को काटा है, और ये करता रहेगा, इसलिए इनको मौका नहीं देना है। परंतु मैं ये कहूंगी कि क्या आप लोग तैयार हो लड़ाई लड़ने के लिए, कठिन लड़ाई है, तो मुट्ठी बंद करके हाथ ऐसा खोलो मत, मुट्ठी बंद करके बोलो कि आप तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और एक राजस्थान के लिए नारा, जय जय।